नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सागर है और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा और आपको कुछ एक गाइड भी दूंगा। ये वीडियो लैपटॉप्स से रिलेटेड होने वाली है और कुछ जो गलत चीज़ें यूट्यूब पर हो रही हैं उसके बारे में भी ये वीडियो है। मेरे पास मेल आया कुछ दिन पहले और उस ईमेल में ये लिखा था कि कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी थी जो प्रोडक्ट भेजती है और प्रोडक्ट बेचती भी है ऑनलाइन। उसने मुझसे कहा कि आपको हम एक लैपटॉप देंगे और ये छोटा लैपटॉप होगा और इसका पॉजिटिव रिव्यू आपको करना है। ये जो लैपटॉप, इतना छोटा सा लैपटॉप है, एटम का प्रोसेसर है उसमें और बोलते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा लैपटॉप है या जो भी है, उसका आपको पॉजिटिव रिव्यू करना है। हम आपको लैपटॉप देंगे और कुछ कुछ कैश देंगे, पैसे भी देंगे, तो आपको उसका रिव्यू करना है। मैंने देखा, क्योंकि हम अपने टेक्नोलॉजी के चैनल पर, टेक्निकल चैनल पर रिव्यूज़ करते हैं और वो रिव्यूज़ हम वही करते हैं जो हमें ठीक लगता है। अगर ठीक लगता है तो ठीक बताते हैं, ख़राब लगता है तो ख़राब बताते हैं। तो मैंने देखा उस लैपटॉप को और हालांकि वो लैपटॉप काफ़ी पुराना है, साल भर साल से भी ज़्यादा पुराना है वो, और घटिया लैपटॉप है उस प्राइस में। उस लैपटॉप का प्राइस लगभग इंडिया आते आते 35,000 तक पड़ जाता है, 40 भी पड़ सकता है। $500 कुछ लिखे हैं वहाँ पर, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह डालने के बाद 35,000 तक हो जाता है वो, 35-40 पड़ सकता है, कोई वो उसमें दो बात नहीं है, इतना महंगा है वो, ठीक है। मैंने देखा ये लैपटॉप तो बिल्कुल ख़राब है, मतलब इसमें ना ठीक से गेम चलेंगे आपके, एटम का प्रोसेसर है बेकार एकदम, और ना गेम चलेंगे उसमें, ना कोई हैवी एंड कुछ चीज़ कर सकते हो आप उसमें, ना यूज़ करने में सही है वो, हीट होता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उन कंपनी को मना कर दिया, मैंने बोला मैं इसका पॉजिटिव रिव्यू क्या, मैं इसका रिव्यू भी नहीं कर सकता, ख़राब की चीज़ है ये, क्यों रिव्यू करूँ इसका, मैंने मना कर दिया। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं और कुछ एक पर्टिकुलर यूट्यूबर है जो उसका एकदम पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है, तो वो एक पेड रिव्यू था और उसके लिए उनको पैसे दिए गए थे कि आप इस लैपटॉप के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएं। यार चंद पैसों के लिए भगवान ने तुमको कितना दिया है यार, कितना विश्वास दिया है लोगों का, और सिर्फ कुछ पैसों के लिए आप बिक गए, आप पेड हैं, आपको पैसे दिए गए, मतलब एक लैपटॉप और कुछ पैसों के लिए बिक गए आप, ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है। और वो भी वो इंसान जो दूसरों को बोलता है कि आप बिक गए, बहुत जितने भी यूट्यूबर हैं उन सब पे आरोप लगाया उस इंसान ने कि आप बिक गए, जबकि वो इंसान भी खुद बिका हुआ है। उसने इतने से पैसों के लिए और एक छोटे से लैपटॉप के लिए आपको, आपके विश्वास को, पूरे चैनल को, अपने को, अपने नाम को बेच दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेच दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 35,000 रुपये में कैसा लैपटॉप आ सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है। और मैं आपको बताऊं, दो लोगों ने वो लैपटॉप खरीद लिया, मेरे पास उन्होंने मेल किया, सर हमने गलती से वो खरीद दिया, आप रिफंड वगैरह करा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं, वो लैपटॉप हमने ऐसे ऐसे ले लिया है। मैंने बोला तुम लुट गए 30-35,000 में लुट गए, तुम्हारे पैसे चले गए, अब नहीं आएंगे वो, अब जो भी है गए पैसे आप लोगों के, जाएंगे पैसे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था, सर प्रोग्रामिंग के लिए, हैकिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, गेम खेलने के लिए कौन सा लैपटॉप हम खरीदें। अगर आपका बजट, मैं बताऊंगा, मैं हम सिर्फ दूसरों पे उंगली नहीं उठाते, सॉल्यूशन भी बताते हैं, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। लैपटॉप का मैं भी काफ़ी शौकीन हूं और तरह तरह के लैपटॉप्स चलाए हैं मैंने। तो अगर आपका बजट 35,000 रुपये है, 35 से 37,000 रुपये, तो देखो ये एक 37,000 रुपये का लैपटॉप है। इसमें i3 का प्रोसेसर है, 3.5 GHz का प्रोसेसर है इसमें, राइट। इसमें 4 GB रैम है, 1 TB की इसमें हार्ड डिस्क है, ठीक है, और ये 15 इंच का है। बस इसका साइज ज्यादा और बहुत पतला है, ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला है, बहुत लाइट वेट है, ज्यादा हैवी नहीं है। और इससे आप वो कर सकते हो जो उस छोटे से लैपटॉप से 3-4 भी अटैच कर दोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें गेम्स चलते हैं, इसमें GTA खेल सकते हो, हाई एंड गेम्स, तो ज्यादा हाई एंड नहीं लेकिन बहुत अच्छे वाले गेम इसे खेल सकते हो आप, इसे स्ट्रीम कर सकते हो आप, ऑफिस के सारे काम हो जाएंगे, बैटरी लाइफ परफेक्ट है इसकी, स्क्रीन बड़ी है इसकी, क्या नहीं है इसमें 35,000 में, क्या नहीं आता। पैसे वेस्ट क्यों करने उस पर, इतने से लैपटॉप पे, सिर्फ दिखावे के लिए, दिखने के लिए। आप वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं तो मैकबुक इस्तेमाल करता हूं, विंडोज मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि हम यहां मैकबुक, कितने लोग हम में से इस वीडियो को देखने वाले मैकबुक इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते। ये दिखावा नहीं तो क्या है कि मैं तो सिर्फ मैकबुक इस्तेमाल करता हूं, आप सिर्फ मैकबुक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप खुद काम कर रहे होते ना तो 2 रुपए का मोबाइल खरीदने की औकात नहीं थी आपकी, या आपके फैमिली के बिजनेस की वजह से है कि आप कितनी सारी चीजें हैं आपके पास,
जो ऐसे इंजीनियरिंग बहुत अच्छा पेशा है लेकिन इसमें बहुत सारे गधे भी आ जाते हैं। एक गधा हमें YouTube पर देखने को मिला है, माफ करना मेरे को गुस्सा आ रहा है इस वक्त उस इंसान पे कि ऐसे ट्रस्ट तोड़ दिया उसने इतने से पैसों के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास 35,000 भी रुपए नहीं है तो क्या करेंगे आप, लैपटॉप चाहिए आपको? ये है लैपटॉप, ये थोड़ा पुराना मॉडल है, ठीक है, थिंकपैड। ये आपको अभी रिफर्बिश्ड 12,000 में मिल जाएगा। कितने में? 12,000 में, नई बैटरी के साथ, और ज्यादा ज्यादा 13-14 में तो मिल ही जाएगा ये नई बैटरी के साथ। इसमें क्या है, 4GB रैम है, इसमें i5 का प्रोसेसर है, इसमें 2.5 GHz का, और ये वो काम कर सकता है वो जो लैपटॉप कभी नहीं कर सकता। टेस्टेड है ये, काफी दिनों से चलता आ रहा है, 2010-11 में लॉन्च हुआ था ये। सोचिए ये लैपटॉप क्या कर सकता है सिर्फ 12,000 में, सिर्फ 12,000, रिफर्बिश्ड है ये, फैक्ट्री से रिफर्बिश्ड होकर आता है। जो सेकंड हैंड होते हैं उनको फैक्ट्री से टेस्ट किया जाता है लैपटॉप को, जो वो ठीक हो जाते हैं, सही से काम कर रहे होते हैं, उनको वापस बेच दिया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, इस लैपटॉप में क्या कमी है, क्या कमी है इसमें? इंटेल का ग्राफिक्स है इसमें, और वो गेम प्ले कर देगा, वो गेम वो वाला लैपटॉप कभी नहीं प्ले कर सकता। 35,000 का लैपटॉप है वो, और दो रत्ती का नहीं है वो। ये चीजें हैं आपके सामने बतानी थी मुझे, मैं भी चलाता हूँ लैपटॉप, मुझे पता है किस तरह के क्या लैपटॉप है। तो आपके सामने अब चीज़ है, आप खुद जाके उसकी वीडियो को देखिए, वो एक पेड रिव्यू है। पेड रिव्यू कैसा होता है मैंने आपको बता दिया, और जो बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं वो भी आपको लूट रहे हैं, चोर हैं वो, तो मैंने आपको बता दिया। अब रिव्यू हम भी करते हैं लेकिन हमें जो चीज़ ठीक लगती है वो बताते हैं, खराब लगती है वो भी बताते हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं बताते हैं हम। ये इंसान दूसरे लोगों को नीचे गिराकर अपने लिए कंपटीशन खत्म करता है, और अब ये सामने पकड़ा गया, खुद आप देख लिया, आप कितने लोगों ने लैपटॉप खरीदा है, वो पैसे गए आपके, रिफंड ले सकते हो तो ले लो। मेरा मन नहीं करता है बोलने का लेकिन यार ऐसे देख के मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अब देखो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, आपको समझ आ गई होंगी बातें, मेरी बात ही ठीक लगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो मेरे को तो वैसे भी गाली सुनने की आदत है, मेरा नया तो नहीं है, मैं तो बहुत पहले से बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो जिनको ये जानना ज़रूरी है, जिनको जानना ज़रूरी नहीं है वो गाली बकेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 4-5 लाइनों की गाली मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत गालियाँ सुनी है ज़िंदगी में मैंने, तो मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आशा करता हूँ अब चीज़ें ठीक होंगी, और अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।